जो प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया है 400 पार का, वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी और हर स्टेट में दोबारा से जो है वो कमल खिलेगा। सिखों ने बढ़ चढ़कर जो है अपना रोल प्ले किया है, बढ़ चढ़कर बाहर आए हैं, चाहे वो कश्मीर की बात हो चाहे जम्मू की बात हो, तो वो बढ़ चढ़कर बाहर आए हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सरदार रणजोत सिंह नलवा जी ने हर एरिए में जाके अपनी पूरी टीम के साथ हमने जाकर सिखों में ये चीज़ बताई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिखों के हित की पार्टी है, उनके फेवर की बात करती है। तो सिखों ने भी अपना पूरा विश्वास, जिस तरह की भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात की थी, वही विश्वास इस बार सिखों ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर जतलाया है। जो प्रचंड जीत है उसके लिए सभी को मैं बधाई का पात्र कहूंगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, हमारे जिला के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, मंडल अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, बूथ अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं केंद्र में। अभी रिजल्ट फाइनल थोड़ी देर में आने वाले हैं, मगर रिजल्ट से दिख रहा है कि हम 300 क्रॉस कर जाएंगे। एक बड़ा ही अच्छा इतिहास रचने जा रहा है कि 1962 के बाद तीसरी बार सरकार एक ही नेतृत्व में बनने जा रही है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं सबको, पूरे देशवासियों को और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों को, जहां पर हम दो सीटें, जम्मू रियासी और उधमपुर कठुआ वाली दोनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, संगठन को बहुत बहुत बधाई और हमारे केंद्र नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज बीजेपी की जो जम्मू कश्मीर की दो सीटें हमारी हैं तो वो हमने जीत ली हैं और तीसरी भी जीत रहे हैं धीरे-धीरे से। बाकी जो देख रहे हैं आपको, अच्छी अच्छी जीत हो रही है बीजेपी की, इसमें क्या शक है, कोई शक नहीं, मोदी जी की तो होनी थी तो हो रही है। आज जो हमारी जुगल किशोर शर्मा जी और जितेंद्र सिंह जी, ऑल ओवर जो हमारी इलेक्शन थी वो भारी मतों से जीत कर हमारे नरेंद्र मोदी जी विजय हो रहे हैं। हम यही कहेंगे कि हर बार मोदी सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में दो सीटों पर लड़ी थी और दोनों पर हमने विजय प्राप्त की है। ये लगातार जो लोगों के बीच में रहना, सरकारी स्कीमों का जो लाभ मिला है, और दूसरी तरफ तीनों पार्टियां मिलकर के लड़ रही थी, तो उनकी किस प्रकार से हार हुई है, लोगों ने उनको लताड़ा है, नकारा है, और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके जम्मू कश्मीर में आएगी। मैं कामिनी चोपड़ा, भारतीय जनता पार्टी जिला नॉर्थ की सचिव और प्रभारी बोल रही हूँ, मंडल नगरोटा की। आज हमारे प्रत्याशी जो हैं श्रीमान युगल किशोर शर्मा जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, उन्होंने भारी बहुमत के साथ उनकी जीत हुई है। हम सब उनको बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका। और ये जो जीत है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी की जीत है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे जिला अध्यक्ष जी की, उनकी टीम की, मंडल की टीम, बूथ अध्यक्षों की, सभी कार्यकर्ताओं की मिली जुली मेहनत का जो रंग है सभी का, वो रंग लाया है। भाजपा की प्रचंड जीत पे मैं युवा नेता रॉबिन करवाल आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि हमारे मोदी जी ने पिछले 10 साल में युवाओं के लिए इतना काम किया, सब युवाओं ने बढ़ चढ़ के इतना वोट दिया, और आप सबको शुभकामनाएं इसी प्रदान करता हूं। और आने वाले समय में मोदी जी ने स्पेशली 125 दिन कार्य में हमें डेडिकेट करने के लिए वादा किया है, और आगे भी देखिए जैसे तरक्की होते आई है वैसे भी आगे होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक वातावरण बना है पूरे जम्मू कश्मीर में, हम खासतौर पर जम्मू प्रोविंस में हम लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की भी मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां
उसमें महबूबा मुफ्ती जी भी थी, उनकी पार्टी भी थी, और आज हम देख रहे हैं कि वो हार कर बाहर बैठी हुई हैं। इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला जी हार कर बैठे हुए हैं, और उससे भी बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के दोनों हमारे कार्यकर्ता पिछले 10 वर्ष से मेंबर पार्लियामेंट थे और आज तीसरी बार जो है वो चुनकर आए हैं। और मेरा मानना है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, अपने आप में बताता है कि पार्टी के का कार्यकर्ता का विश्वास और देश की आम जनता का नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति विश्वास, जिसके चलते देश भी आगे बढ़ेगा, ये समाज भी आगे बढ़ेगा और पार्टी के कार्यकर्ता भी जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। सर बताएं आज की जो आज की जीत जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो सीट अच्छे मार्जिन से जीती हैं, इसका श्रेय अगर जाता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्कीम थी धरातल के ऊपर, उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की जनता जो 370 की गुलामी की बेड़ियों की आज़ादी के बाद जिनके अंदर एक होश जोश था, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन और रात नहीं देखते, इन सब की मेहनत के कारण हम लोग आज फिर दोबारा एक बार ये सीटें हम लोगों ने जीत कर नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में डाली हैं। और लगता है कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए थे, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए, यहाँ के जो पिछले हमारे सांसद थे उन्होंने किए, उसका भरपूर प्यार यहाँ के जनता ने दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का दिली तौर से धन्यवाद करता हूँ।